हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लेके आई हूँ क्लास 11th के केमिकल बॉन्डिंग से आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है बॉन्ड हैबिट साइकिल। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं काफ़ी डिटेल और सिंपल वे में डिस्कस करने वाली हूँ। आई होप आपके यहाँ पे सभी डाउट्स क्लियर होंगे इस साइकिल को लेके। और BSc के स्टूडेंट्स को ये काफ़ी डाउट रहता है कि ये जो क्वेश्चन 7 मार्क्स में आता है तो इसमें हम क्या मेटल लिखें, कितना लिखें। तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है और कैसे इसको हम एक्सप्लेन करें। यहाँ पे मैं इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन तो करूँगी, साथ ही साथ आपको हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल होंगे, तो आप लोग इससे स्क्रीनशॉट लेकर इसके नोट्स भी आप प्रिपेयर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं बॉन्ड हैबर साइकिल को। तो क्या होती है बॉन्ड हैबर साइकिल? इट इज़ एन इनडायरेक्ट मैथड टू कैलकुलेट द एनर्जी चेंज और लैटिस एनर्जी। बॉन्ड हैबर साइकिल क्या है कि किसी आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं, तो उसी को कैलकुलेट करने की एक इनडायरेक्ट मेथड है। क्योंकि इसके लिए कोई डायरेक्ट मेथड बनी नहीं है लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए, तो इसको इनडायरेक्टली हम बॉन्ड हैबर साइकिल की हेल्प से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड और आयनिक बॉन्ड। तो जब कैटायंस और एनायंस आपस में कंबाइन होते हैं आयनिक बॉन्ड्स के थ्रू, तो वो क्या करते हैं कि आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। तो उसी आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो इस साइकिल की हेल्प से हम लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। दिस साइकिल टेक्स इंटू अकाउंट ऑल द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ द गिवन आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे आपको फोकस करना है 1 मोल पे। तो ये साइकिल क्या बताती कह रहा है कि जब आयनिक कंपाउंड का 1 मोल क्या होता है, फॉर्म होता है, तो उसकी फॉर्मेशन में 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड की जो एनर्जी चेंजेस आते हैं उसको हम इस साइकिल की हेल्प से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो बॉन्ड हैबर साइकिल 1 मोल आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं, तो उसी को कैलकुलेट करने की ये एक इनडायरेक्ट मेथड है। अब इस साइकिल को समझने से पहले या एक्सप्लेन करने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ व्हाट इज लैटिस एनर्जी। तो लैटिस मीन्स क्या होता है, एक 3D अरेंजमेंट। तो यहाँ पे आयनिक कंपाउंड बनते हैं कैटायंस और एनायंस के कॉम्बिनेशन से। तो जो 3D अरेंजमेंट कैटायंस और एनायंस का होता है जिससे कि एक क्रिस्टल फॉर्म होता है उसी को कहते हैं लैटिस। अब लैटिस एनर्जी क्या है, व्हाट इज लैटिस एनर्जी? तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। द एनर्जी रिलीज्ड और लिबरेटेड इन कंडेंसिंग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड द लैटिस एनर्जी। तो वही चीज़ आ गई जो हमने ऊपर बोला कि 1 ग्राम मोल आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन में कैटायंस और एनायंस के कॉम्बिनेशन से जो आयनिक बॉन्ड बनेगा, या हम कहेंगे कि जो आयनिक कंपाउंड बनेगा उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी, आपको पता होना चाहिए फैक्ट, मैंने पहले भी अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में ऑलवेज एनर्जी रिलीज होती है जबकि बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे अगर कैटायन और एनायन आपस में कंडेंस हो रहे हैं तो इसका मतलब इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, ये कंबाइन हो रहे हैं। तो बॉन्ड अगर बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो इसमें एनर्जी की अमाउंट क्या होगी, रिलीज होगी। तो हम क्या कहेंगे कि जब डिफाइन हमेशा यूनिटी में किया जाता है, डेफिनेशन हमेशा यूनिटी में दी जाती है, इसलिए हम कहेंगे कि 1 ग्राम मोल आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन में कैटायंस और एनायंस के कॉम्बिनेशन से जो एनर्जी की अमाउंट रिलीज होती है उसी को कहते हैं लैटिस एनर्जी। इट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग 2 फैक्टर। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ऐसे फैक्टर्स की जिन पे लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है, तो वो फैक्टर क्या हो सकते हैं। ऑब्वियसली अगर हम लैटिस एनर्जी की बात कर रहे हैं, आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो फैक्टर भी क्या होंगे, कैटायन और एनायंस ही तो होंगे। तो यहाँ पे जो लैटिस एनर्जी डिपेंड करेगी वो कौन से 2 फैक्टर पे करेगी, आयंस पे ही करेगी। एक तो साइज ऑफ द आयंस, दूसरा चार्ज ऑन द आयंस। यानी कि हमारे पास आयनिक कंपाउंड फॉर्म करने के लिए 2 ही चीज़ें हैं, कैटायंस एंड एनायंस। तो इसीलिए आयंस ही यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो फैक्टर भी 2 ही बनेंगे। फर्स्ट है साइज ऑफ द आयंस।
स्मॉलर द साइज ऑफ द आयंस ग्रेटर इज द लैटिस एनर्जी, जितना स्मॉल साइज होगा आयंस का उतनी ज़्यादा उनकी क्या होगी, लैटिस एनर्जी होगी। सेकेंड है चार्ज ऑन द आयंस, हायर द चार्ज ऑन द आयंस ग्रेटर इज द लैटिस एनर्जी, क्योंकि स्मॉल साइज ऑफ आयंस से क्या होगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन को क्या करेंगे, फेवर करेंगे। और यहाँ पे भी हाई चार्ज होगा तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिससे लैटिस एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लैटिस एनर्जी इज रिगार्डेड एज अ मेजर ऑफ ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। अभी लैटिस एनर्जी हम टर्म तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पे इसका क्या रोल है कि लैटिस एनर्जी जो है यहाँ पे इसका रोल ये है कि मेनली बॉर्न हेबर साइकिल इस लैटिस एनर्जी को ही कैलकुलेट करने की मेथड है, पहली बात। तो सेकंड थिंग ये है कि लैटिस एनर्जी जो है वो एक मेजर है किसकी, आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी की, कि लैटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी कंपाउंड की स्टेबिलिटी और उसकी फॉर्मेशन उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो लैटिस एनर्जी एक मेजर है किसके लिए, इज ऑफ फॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड्स। तो बॉर्न हेबर साइकिल को पढ़ने से पहले हमने लैटिस एनर्जी को समझा, अब हम बात करते हैं बॉर्न हेबर साइकिल के कि ये साइकिल किस रूल पे बेस्ड है और किस तरीके से ये लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड और चेंज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बॉर्न हेबर साइकिल। तो फिर से ये लाइन रिपीट हो रही है कि जब भी कोई आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है तो वो किससे बनेगा, वो कैटायंस और एनायन यानी कि इसके कंस्टिट्यूएंट जो आयंस होंगे उनके डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है और उनके काफ़ी स्टेप्स में चेंजेस से भी बन सकता है। तो कुल मिला के अगर आयनिक कंपाउंड बन रहा है तो कैटायंस और एनायंस यहाँ पे कंबाइन होंगे और किस बॉन्ड की हेल्प से होंगे, आयनिक बॉन्ड की हेल्प से होंगे। तो अगर यहाँ पे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस टाइम पे एनर्जी क्या होगी, लिबरेट होगी, रिलीज होगी। तो उसी तो वो कितनी एनर्जी लिबरेट हो रही है या कितनी एनर्जी चेंज आ रहा है, उस एंथैल्पी चेंज को या एनर्जी चेंज को ही कैलकुलेट करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, कह रहा है बॉर्न हेबर साइकिल। तो उस एनर्जी चेंज को बताने के लिए ही, रिप्रेजेंट करने के लिए ही हम बॉर्न हेबर साइकिल को स्टडी करते हैं। दिस साइकिल इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड मे अकर ईदर बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ द एलिमेंट्स और बाय एन अल्टरनेट प्रोसेस इन विच। ये जो साइकिल है ये इस फैक्ट पे बेस्ड है कि जब कोई आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है तो वो दो तरीके से हो सकती है, एक तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो, किसका, अब मैं आयंस की बात नहीं कर रही हूँ, अब मैं बात कर रही हूँ एलिमेंट्स की। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे एक टर्म और आती है हीट ऑफ फॉर्मेशन। इन दोनों में अभी आपको बॉर्न हेबर साइकिल को समझाते टाइम आपको डिफरेंस बताऊंगी, लैटिस एनर्जी तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना, मैंने आयंस नहीं लिखा है, हम बात कर रहे हैं आयनिक कंपाउंड की बनने की ही, फॉर्मेशन की ही। लेकिन अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आयंस के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से, बल्कि कह रही हूँ कि आयनिक कंपाउंड जिनसे बन रहा है, जिन आयन से, तो वो आयन अपनी जब एलिमेंटल यानी कि प्योर स्टेट में होंगे तो उस टाइम पे वो एलिमेंट्स कंबाइन होके आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से, एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है, बाय एन अल्टरनेट प्रोसेस, एक और अल्टरनेट प्रोसेस हो सकती है जिसमें कई स्टेप्स में चेंजेज हो सकते हैं, डायरेक्ट में सीधा इनिशियल से लास्ट स्टेज यानी कि फाइनल स्टेज होगी, यानी कि इनिशियल होंगे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स और फाइनली बनेगा आयनिक कंपाउंड, एक ही स्टेप में प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन जो अल्टरनेट प्रोसेस होगी उसमें कई स्टेप्स में ये प्रोसेस होगी तो उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे, लेकिन इनिशियल और फाइनल रिजल्ट एक ही होगा जैसा कि डायरेक्ट में हो रहा था। लेकिन अल्टरनेट प्रोसेस कैसे कैसे होती है उसी को हम थ्री स्टेप्स में यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट है The reactants metal are vaporized to convert into gaseous state. अब direct method थी कि हम element से सीधा आयनिक compound बना रहे हैं, लेकिन जो alternate process है
उसके लिए फर्स्ट स्टेप ये है कि उसमें जो भी रिएक्टेंट या एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए, अगर वो मेटल है तो वो सॉलिड होगा ऑब्वियसली। अगर वो सॉलिड है तो उसको पहले वेपराइज किया जाएगा। फर्स्ट स्टेज में उसको पहले वेपराइज किया जाएगा सॉलिड से किस में, गैसियस स्टेट में। तो ये फर्स्ट स्टेप होगा कि जो भी मेटल रिएक्टेंट हैं उनको वेपराइज करके कन्वर्ट किया जाएगा किस में, गैसियस स्टेट में, यानी कि सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट किया जाएगा। स्टेप सेकेंड होगा, द गैसियस एटम्स आर कन्वर्टेड इंटू आयन। अब जब मेटल सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गया तो अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो गैसियस एटम हैं वो कन्वर्ट होंगे किस में, आयन्स में। और फाइनली क्या होगा थर्ड स्टेप में, जो आयन फॉर्म हुए केटायन और एनायन वो अब कंबाइन होके आयनिक कंपाउंड की क्या करेंगे, फॉर्मेशन। द गैसियस आयन्स आर कंबाइंड टू फॉर्म आयनिक लैटिस और मॉलिक्यूल। तो फाइनली वो आयन्स किसकी फॉर्मेशन करेंगे, आयनिक कंपाउंड की या मॉलिक्यूल की। तो आप समझ गए होंगे कि बॉर्न-हेबर साइकिल दो तरीके की चेंजेस को यहाँ पे शो करता है। एक तो डायरेक्ट चेंज जिसमें प्योर स्टेट ऑफ एलिमेंट से सीधा क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड। और सेकंड जो है वो है अल्टरनेट प्रोसेस जिसमें कई स्टेप्स में ये चेंजेस होते हैं। तो फर्स्ट में मेटल गैसियस में वेपराइज होगा, सेकंड वो जो गैसियस एटम होंगे आयन में कन्वर्ट होंगे। अब थर्ड एंड लास्ट है कि जो आयन्स हैं गैसियस वो कंबाइन होके लैटिस को, आयनिक लैटिस को और मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। अब हम इसको बेटर समझ सकते हैं इस बॉर्न-हेबर साइकिल के थ्रू जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। एज शोन बिलो, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ NaCl फ्रॉम सोडियम एंड क्लोरीन। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे बॉर्न-हेबर की कौन सा आयनिक कंपाउंड लिया है, वन मोल ऑफ NaCl। अब NaCl में एक एलिमेंट है सोडियम, दूसरा है क्लोरीन, तो सोडियम एंड क्लोरीन के थ्रू हम इसको क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। तो कैसे, तो यहाँ पे देखिए ये है सोडियम सॉलिड स्टेट में, क्योंकि ये एल्कली मेटल है तो मेटल ऑलवेज सॉलिड होंगे, प्लस हाफ Cl2 क्लोरीन गैस, क्योंकि NaCl हम फॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लोरीन का एक ही एटम है और यहाँ पे कितना है मॉलिक्यूल है, यानी कि 2 एटम है। तो हमें अगर इसको बैलेंस करना है तो हम इसका हाफ कर देंगे, तो इसलिए हाफ Cl2 लेंगे। अब क्लोरीन जो होती है वो गैस की फॉर्म में होती है अपने नेचुरल स्टेट में, तो ये सॉलिड और गैसियस एटम जो हैं ये डायरेक्ट कंबाइन होंगे, तो डायरेक्ट कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, NaCl। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, टोटल एंथैल्पी चेंज डेल्टा HF, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी, ये इसको हम कहेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। यानी कि यहाँ पे ये जो सोडियम और क्लोरीन है ये अपने प्योर एलिमेंटल स्टेट में है। जब कोई एलिमेंटल स्टेट से डायरेक्ट आयनिक कंपाउंड बनता है या डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो उसको कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। जबकि लैटिस एनर्जी क्या है, ये तो हीट ऑफ फॉर्मेशन है। अब इसमें और लैटिस एनर्जी में कभी एग्जामिनर अगर डिफरेंस पूछे तो डिफरेंस क्या है, लैटिस एनर्जी होती है जब आयन्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, तो जब आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी तो उसको कहेंगे लैटिस एनर्जी। जबकि हीट ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे कि जब एलिमेंट ये आयन ना हो करके अपने प्योर स्टेट में हो, अपने स्टेबल स्टेट में हो, तो उससे अगर डायरेक्टली आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो तो उसको कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो ये फर्स्ट हो गया डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, यही तो बॉर्न-हेबर साइकिल कहता है कि अगर आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन या तो डायरेक्ट वे में होगा जैसे कि ये हो रहा है, या फिर कई सारे स्टेप्स में होगा। ऐसा हमने कहाँ पढ़ा था, हेसेस लॉ में पढ़ा था। तो हेसेस लॉ भी यही कहता है कि रिएक्शन चाहे डायरेक्टली वन स्टेप में हो या फिर सेवरल स्टेप्स में हो, तो टोटल एंथैल्पी चेंज ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। ये बॉर्न-हेबर साइकिल बेस्ड है हेसेस लॉ पे। ये डायरेक्ट एंथैल्पी चेंज हो गया जिसको हम क्यू से इंडिकेट कर रहे हैं सिंपल सिंबल में, और या हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं डेल्टा HF से, हीट ऑफ फॉर्मेशन। अगर हम बात करें अल्टरनेट स्टेप की तो अल्टरनेटिवली क्या होगा, सोडियम सॉलिड स्टेट में होता है, पहले हम इसको वेपराइज करेंगे गैसियस फेज में, क्योंकि आयनाइजेशन करने के लिए
एटम को अपनी गैसियस स्टेट में होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है आयनाइजेशन एंथैल्पी को। तो आयनाइजेशन क्या होता है अभी मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन आयनाइजेशन करने के लिए एटम का अपनी गैसियस फेज में होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम सॉलिड को गैस में चेंज करेंगे, तो सॉलिड से गैस में चेंज होने को सब्लिमेशन कहते हैं। तो हम इसको सब्लिमेशन एंथैल्पी देंगे, इतनी एनर्जी देंगे कि ये सॉलिड से सीधा किस में चेंज हो जाए, गैस में। तो उस सब्लिमेशन एंथैल्पी को हम दिखाते हैं डेल्टा एस यू बी मीन सब्लिमेशन एच नॉट, यानी कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी है सब्लिमेशन एंथैल्पी। अगर हम एनर्जी दे रहे हैं तो हम पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करेंगे, और अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसको निगेटिव सिंबल से क्या करेंगे या निगेटिव साइन से क्या करेंगे इंडिकेट करेंगे। तो सब्लिमेशन एंथैल्पी देंगे तो दे रहे हैं तो इसलिए पॉजिटिव है। तो सब्लिमेशन एंथैल्पी को हम इन शॉर्ट एस से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो सब्लिमेशन एंथैल्पी देंगे तो सोडियम डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर अब ये गैसियस स्टेट में है तो हम इसका आयनाइजेशन करेंगे। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यानी कि जितनी एनर्जी चाहिए होती है, उसी को आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। अब ये एंथैल्पी भी हम देंगे बाहर से प्रोवाइड करवाएंगे तो ये भी पॉजिटिव होगी, यानी कि इसको भी हम पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करेंगे। तो सोडियम अब गैसेस स्टेट में है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हम इसको दे रहे हैं आई, तो ये आयन में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी की हेल्प से। तो अब सोडियम रहेगा तो गैसेस स्टेट में ही, लेकिन ये अपना एक इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल से लूज कर चुका है तो ये कैटायन फॉर्म करेगा, तो ये सोडियम कैटायन हो जाएगा। ऐसे ही अब हम बात करेंगे क्लोरीन के चेंज की। अब क्योंकि यहाँ पे Cl2 एक मॉलिक्यूल है क्लोरीन का, लेकिन हमें चाहिए केवल एक क्लोरीन एटम, तो हम इसको बैलेंस करेंगे तो ये हाफ Cl2 हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको डिसोसिएशन एंथैल्पी कहते हैं, ब्रेकिंग एंथैल्पी कहेंगे। लेकिन क्लोरीन का हाफ मोल है तो जितनी एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी डिसोसिएशन करने के लिए उसका भी हाफ कर देंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल का हाफ हमारे पास यहाँ पे हमने लिया है बैलेंसिंग के लिए, तो इसलिए डिसोसिएशन एंथैल्पी भी हाफ हो जाएगी। अगर यहाँ Cl2 होता तो यहाँ हाफ नहीं आता, खाली क्या आता, डिसोसिएशन एंथैल्पी इनकी डी। तो हाफ डिसोसिएशन एंथैल्पी हमने यहाँ पे ली तो Cl2 कन्वर्ट हो गया Cl में, ये ऑलरेडी गैस में ही था तो गैस में ही रहेगा, केवल डिसोसिएट हुआ है मॉलिक्यूल से एटम की फॉर्म में ये। तो ये इस तरीके से डिसोसिएट होके क्लोरीन गैसियस एटम फॉर्म करेगा। अब इसको एनायन बनाना है तो हमें क्या लगानी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करेगा तो क्लोरीन एटम में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। इलेक्ट्रॉन ऐड होते टाइम एनर्जी ऑलवेज रिलीज होती है, तो रिलीज होने के लिए कैसा साइन आएगा, माइनस, तो इसलिए हम इसको माइनस ई से इंडिकेट करेंगे। इसको हम डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन ई जी एच नॉट, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है स्टैंडर्ड। ये हम क्योंकि ये रिलीज हो रही है तो रिलीज होने के लिए किस साइन से दिखाएंगे, निगेटिव। तो इस तरीके से क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो Cl निगेटिव एक एनायन का फॉर्मेशन करेगा। ये स्टार्टिंग से गैसियस फेज में ही है तो अभी तक ये भी गैस में ही रहेगा। तो ये इस तरीके से इनका आयनाइजेशन हो गया, सोडियम का भी क्लोरीन का भी। अब यहाँ पे हमें आयंस ऑब्टेन हो गए, दोनों गैसियस फेज में है तो अब इनका होगा कॉम्बिनेशन। तो जब कैटायन और एनायन कंबाइन करेंगे तो इनके बीच में एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा और एक क्रिस्टल लैटिस बनेगा, पूरा क्रिस्टल फॉर्म होगा। तो जब आयनिक बॉन्ड बनेगा तो उस टाइम पे एनर्जी रिलीज होगी। अगर हम उसको 1 मोल NaCl में लें तो 1 मोल यानी कि यूनिटी में लेने पे जितनी एनर्जी की अमाउंट रिलीज होगी उसी को कहते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस के फॉर्मेशन में या क्रिस्टल के फॉर्मेशन में जब NaCl आयंस कंबाइन होंगे तो एनर्जी का अमाउंट जो रिलीज होगा या निकलेगा उसी को हम कहेंगे लैटिस एनर्जी। इसको कैपिटल U से मैंने इंडिकेट किया है
क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है तो रिलीज करने के लिए फिर से माइनस लेंगे। तो जहाँ जहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड है उनको प्लस से शो करेंगे, और जहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर लैटिस एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, उनको निगेटिव साइन से इंडिकेट करेंगे। तो इस तरीके से ये कैटायन और एनायन मिलके NaCl सॉलिड की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। अब हैसिस लॉ कहता है कि अब ये NaCl एक तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बन रहा है प्योर और स्टेबल एलिमेंटल स्टेट से, तो इसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। दूसरा, ये कई सारे स्टेप्स में, सेवरल स्टेप्स में यही प्रोसेस हो रही है, तो इसमें अलग अलग जगह अलग अलग एनर्जी यूज़ हो रही है। तो जब हम ये टोटल एनर्जी को देखेंगे क्यू को, तो ये इन सभी एनर्जीज के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये साइकिल इसी हैसेस लॉ को फॉलो करता है। तो हम टोटल एंथैल्पी चेंज यानी कि क्यू इक्वल टू क्या कर देंगे, जितने भी सेवरल स्टेप्स हो रहे हैं उन सब की एनर्जीज को सम कर देंगे। तो टोटल एनर्जी इन सब की एनर्जी चेंज के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन एनर्जी, पहले सोडियम का ले लेते हैं, प्लस आयनाइजेशन एनर्जी, प्लस हाफ डिसोसिएशन एनर्जी। माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये सब रिक्वायर्ड एनर्जीज थी, तो प्लस में आएंगी, सम लेंगे। लेकिन ये रिलीज्ड एनर्जी है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो इसको हम माइनस में इंडिकेट करेंगे। और लैटिस एनर्जी भी रिलीज हो रही है, तो इसको भी माइनस में हम इंडिकेट करेंगे। तो टोटल कितनी एनर्जीज हैं, टोटल एंथैल्पी इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। तो इन सभी एनर्जी चेंजेस के सम के क्या होगा, इक्वल होगा टोटल एंथैल्पी चेंज। अगर ये एंथैल्पी की वैल्यू हमें पता है, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम इसके यहाँ पे पुट करें, तो इनको हम सॉल्व करके इस लैटिस एनर्जी को हम निकाल सकते हैं। और अगर हमें लैटिस एनर्जी गिवन हो, तो हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी इस साइकिल की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमने सिंबल्स यूज किए हैं, तो इनको तो ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, तो क्यू यहाँ पे क्या है, ये है टोटल एंथैल्पी चेंज, तो ये टोटल एंथैल्पी चेंज को दिखा रहे हैं एक स्टेप में। एस फॉर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ये सोडियम के सॉलिड से गैसियस फेज में चेंज को शो कर रहा है, तो ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होगा। नेक्स्ट है आई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो आयनाइजेशन किसका होगा, सोडियम का, तो जैसे इलेक्ट्रॉन लूज कराएंगे तो आयनाइजेशन करेंगे, तो आई को आयनाइजेशन एनर्जी से इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट है ई, ई यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है। नेक्स्ट है डी, डी फॉर डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो ये डिसोसिएशन एंथैल्पी हो गई। एंड लास्ट है यू, यू यानी कि लैटिस एनर्जी, तो ये भी रिलीज होती है तो निगेटिव में आएगी, तो ये लैटिस एनर्जी को इंडिकेट करता है। मेनली हम इसका यूज करते हैं लैटिस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कैलकुलेट करने में। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा।